एक प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी और अगर उसमें पास हो गए तो एडमिशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का एज लिमिट 30 साल होता है और मुन्ना का एज इस फिल्म के अनुसार 41 या 42 साल होना चाहिए। मुन्ना के बाबूजी के मुताबिक वो 12वीं में था जब मुंबई भाग गया था। 12वीं जमात में था जब वो गांव छोड़ के भाग गया था। उसके 15 साल बाद मुन्ना ने बाबूजी को कॉल किया था। 15 साल के बाद मुंबई से उसका फोन आया और फिर उसके 10 साल तक वो डॉक्टर होने का नाटक करता रहा। 10 साल तक तू झूठ बोलता रहा। इसका मतलब है मुन्ना एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल ही नहीं था, तो फिर उसने ये एग्जाम टॉप कैसे किया? मुन्ना को जब क्लास से निकाला जाता है तब वो चिंकी को कॉरिडोर में मिलता है और जब बात बात में मुन्ना उसका आईडी कार्ड देखता है तब वो उसका नाम डॉक्टर सुमन पढ़ता है। एक मिनट, नाम क्या है तुम्हारा? डॉक्टर सुमन। मगर आईडी कार्ड्स में तो पूरा नाम लिखा जाता है, तो फिर मुन्ना उसका पूरा नाम सुमन अस्थाना क्यों नहीं पढ़ता? जब बॉडी डाइसेक्शन की क्लास में मुन्ना बोलता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा तब वो स्वामी और प्रोफेसर के पीछे खड़ा होता है, लेकिन नेक्स्ट शॉट में प्रोफेसर और स्वामी अपने आगे की तरफ देख के हंसते हैं। ऐसे करो, कल से तुम अपने लिए एक अलग से बॉडी ले आना। और इस शॉट में मुन्ना उनके पीछे भी नहीं दिखता। जब सर्किट डेड बॉडी के लिए जापानीज टूरिस्ट के पास जाता है तब वो उसे हिंदी में सवाल पूछता है। ए चिली चिकन, एम्बुलेंस की फोटो निकालने का क्या? 5 स्टार एकदम। नो, आई वांट रियल इंडिया, पुअर पीपल, हंग्री पीपल। लेकिन अगर उस टूरिस्ट को हिंदी नहीं आती थी तो फिर सर्किट के सवाल का वो इंग्लिश में सही जवाब कैसे दे रहा था? इस मेडिकल इंस्टीट्यूट की एक खासियत ये है कि यहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, मेडिकल स्टाफ, यहाँ तक के स्वीपर्स भी दिखाए गए हैं, मगर सिक्योरिटी गार्ड्स कहीं नहीं दिखते। इनके इंस्टीट्यूट में जबरदस्ती एक बड़ा सा बेड लाया गया, हॉस्टल में घर का पूरा सामान लाया गया और तो और गोनी में एक डेड बॉडी भी लाई गई, फिर भी सिक्योरिटी गार्ड्स किसी भी सीन में नहीं दिखाई देते। अगर मुन्ना को चिंकी से मिलना था तो वो सुमन को क्यों रिक्वेस्ट करता था? सुमन जी, आप उनको चिंकी से मिलने का है? अगर तुम किसी प्रोफेसर को तंग नहीं करोगे तो मैं तुम्हें चिंकी से मिलाऊंगी। पक्का? फुल प्रूफ है? तुम पढ़ाई करो, एग्जाम में पास हो जाओ, फिर मैं तुम्हें चिंकी से जरूर मिलाऊंगी। मुन्ना तो उससे पहले ही चिंकी से फोन पे बात कर चुका था, तो मुन्ना ने चिंकी को कॉल करके मिलने के लिए क्यों नहीं कहा? आनंद भाई की लंबी दाढ़ी और बाल काटने के बाद जब मुन्ना उनको व्हीलचेयर में घुमाता है तब अगर आप ध्यान से देखें तो जहां उनके बाल कट रहे थे उस जगह पर फर्श पर थोड़ा भी बाल नहीं दिखाई देता।